देख रहे हैं डीटीएन आरएसटी। ईवीएम के खिलाफ बहुत विक्रो ने ऐलान किया, ईवीएम ही सारी समस्याओं की जड़ है, ईवीएम को हटाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ईवीएम से ही समर्थकों की सरकार बन रही है, जिसमें कि मॉब लिंचिंग, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सांसदों का निलंबन, वर्ण व्यवस्था का बढ़ना, गरीबी बढ़ना, शोषण बढ़ना, मेहुल प्राचा और भानु प्रताप सिंह को 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से मिलने न देना, रास्ते में रोककर उन्हें रास्ते में ही जेल भेजना का काम किया, एक दिवसीय धरना करके फिर से ईवीएम के खिलाफ सत्ता में आ गए। आपको मालूम है इन्होंने रिजर्व बैंक का खाली खजाना कर दिया, 265 टन सोना गिरवी रख दिया, इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, डीआरडीओ बेच दिया, और यही नहीं LIC बेच दी। बैंकों का निजीकरण हो रहा है, जब ये निजीकरण होगा यहाँ किसान परेशान है। यदि ईवीएम नहीं होता तो आज किसान परेशान नहीं होता, ईवीएम नहीं होता तो शिक्षा संस्थानों में शोषण नहीं होता, यदि ईवीएम नहीं होता तो यहाँ पर बहन बेटी 5 करोड़ से अधिक लोग इस देश में बेरोजगार हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ईवीएम को हटाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता, मैं कोई नेता नहीं, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के अभिव्यक्ता, तीसरे गठबंधन बनाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। यदि ये लोग 100 लोग लाते तो आज यहाँ पर जो 150 करोड़ का देश है, कम से कम 50,000 लोग तो होने चाहिए थे। लेकिन इसमें गलती इनकी नहीं है, इसमें गलती हमारी है। मैं कोई यहाँ पर नेता बनने के लिए नहीं आया, मैं कोई यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं इस बात का जरूर विरोध करूंगा जो जापान ने ईवीएम बनाया, जापान में बंद हो गया, जर्मन ने बंद कर दिया, फ्रांस ने बंद कर दिया, तमाम देश के लोगों ने, अमेरिका ने बंद कर दिया, कनाडा ने बंद कर दिया, लेकिन ये बेईमान लोग इस ईवीएम के माध्यम से, यही ईवीएम हुआ आया तो उसकी वजह से हिंदू राष्ट्र की आवाज तेज हो गई। यदि ईवीएम आया तो यहाँ पर तमाम आवाजें, आज मखलूक लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, आज यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। ईवीएम के माध्यम से ईवीएम हटेगा तो ये लोग दिखाई नहीं देंगे, चूहे की तरह बिल में बैठ जाएंगे। आज आप लोग मजबूत रहें, यदि इस देश को बचाना है आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक पार्टी के नीचे आना पड़ेगा। जो लोग खेमों में बटे हुए हैं, तमाम पार्टियां कुकर मुत्तों की तरह बन गई हैं। आप तो क्या, कोई भी आप लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते, आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। जब तक आप एक जगह नहीं आएंगे, यहाँ पर मुसलमानों पर, दलितों पर, किसानों पर, SC लोगों पर, SC लोगों पर, ईसाइयों पर, यहाँ पर किसी भी हालत में हम नहीं आने देंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। तो आप लोगों के लिए इस कड़कती सर्दी में आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे वकील साहब को हमेशा आप कोऑपरेट करते रहे, और प्राचा साहब को, जो प्राचा साहब है एक मजबूत व्यक्ति है, मैं इनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपके साथ हूँ इस लड़ाई में, तन से, मन से, धन से, लाठी से। आप चिंता मत करना, डरना मत। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट मुझे जल्दी अरेस्ट करे, तो इनको मालूम पड़ जाएगी कि भंते करुणाकर क्या है। हो तुम्हारी तबाही है, ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा, तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा, उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना, आपको मालूम होगा बड़ा हल्ला मच रहा। कोई ना कोई बात है, क्या मोदी को डर क्या है? जब ये पूछा जा रहा है, विपक्ष ये पूछना चाह रहा है कि भैया ये जिस सांसद ने साइन करके वो फॉर्म दिया, और वो जो जिन्होंने जो अंदर आके जो है संसद में हमला किया, उनके ऊपर उसकी सुरक्षा की बात पूछी जा रही है, तो बाहर क्यों बात की जा रही है? मोदी और गृहमंत्री दोनों के दोनों संसद जब सत्र में है, बाहर क्यों बात करें? संसद के भीतर कहो ना, सवाल दो ना, सवाल के जवाब दो ना, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब दो ना। लेकिन नहीं, डर इस कदर है कि किसी भी हालत में चर्चा ना हो जाए। और यही बात
कि वो आप देखते ना एक नारा, आप उसको नारे को कैलकुलेट करके देखो मिलाओ कि वन नेशन वन इलेक्शन, और वन बस मोदी राजा, मोदी का इलेक्शन और किसी का नहीं, कोई और नहीं रहेगा, अपने लिए बनाई उसी में चक्कर काटेगा। ईवीएम टैम्परिंग, ईवीएम हैकिंग की बात आज तो आई नहीं है, 2017 में भी इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया था कि आइए और इसको हैक करके दिखाइए, अगर आपको लगता है कि हैक हो सकती है तो, तब तो कोई गया नहीं। देखिए जब एक कुछ उदाहरण सामने आते हैं, जब कुछ एग्जाम्पल सामने आते हैं, तब गड़बड़ी की चीजों पर स्टैंप लगती है, ठीक है ना। जैसे कौन सा एग्जाम्पल? देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, जहां पर जिस पोलिंग स्टेशन पर उस प्रत्याशी के परिवार की 6 वोट थी, उसके परिवार के 6 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, उसने स्वयं भी अपना वोट दिया, ठीक है। बात यहां निकल करके आती है, हम एक बार को ये मान लेते हैं कि उसके परिवार के 6 लोग भी, उन्होंने उसके साथ धोखा किया, ठीक है, उसकी घरवाली ने वोट नहीं दिया, उसकी मदर ने वोट नहीं दिया, उसके बच्चों ने वोट नहीं दिया, ये भी मान लेते हैं, पर प्रत्याशी ने खुद तो अपने आप को वोट दिया जो चुनाव लड़ रहा है। जब काउंटिंग हुई तो उस बूथ पे, पर्टिकुलर बूथ पे उस प्रत्याशी की वोट 0 निकली। अब सवाल ये, प्रत्याशी ने कंप्लेंट की कि नहीं की? कौन से प्रत्याशी की बात करेंगे? कर रहे हैं, की हुई है। दो प्रत्याशी है, एक राजस्थान का है, एक मध्य प्रदेश का है, इसी चुनाव में, इसी चुनाव में। अच्छा, तो सवाल ये है कि खुद के ही दी हुई वोट कहाँ गई? ये भाई ये तो प्रमाण है ना, दूसरे की बात पे तो विश्वास नहीं किया जाता। मैंने कहा 6 वोट निकलती, चलो मान लिया कि पूरे परिवार ने वोट नहीं दिया, लेकिन प्रत्याशी की खुद की वोट कहाँ गई? उस पोलिंग बूथ पे उसकी वोट 0 निकली, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है।